नमस्कार युवा मित्रों, आज बात करते हैं 800 स्क्वायर फीट का घर बनाने में कितना खर्चा लगता है। इस विषय पर वीडियो है, इसलिए मैंने एस्टीमेट बना रखा है, वो आपको बताता हूँ कि 800 स्क्वायर फीट का घर बनाने में टोटल कितना खर्चा लगता है, कौन कौन से आइटम में कितना खर्चा लगता है, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। सजनों, एक्सकेवेशन में लगभग इसमें 800 स्क्वायर फीट घर बनाने में 1800 क्यूबिक फीट अर्थवर्क करना पड़ेगा, जो मैंने 6 रुपये की रेट से माना है, और ये 10,800 के आसपास इसका खर्चा आएगा। अब एक्सकेवेशन करने के बाद में अपन जो फिलिंग करते हैं, यानी सैंड फिलिंग करते हैं, उसका खर्चा मैंने 800 क्यूबिक फीट सैंड फिलिंग आपको लगभग करनी पड़ेगी, जो 10 रुपये फिट के हिसाब से, क्यूबिक फीट के हिसाब से माना है, ये लगभग 8,000 रुपये का खर्चा इसमें आएगा। सीमेंट इस मकान में आपके लगभग 320 बैग आएंगे, जिसकी रेट मैंने 300 पर बैग मानी है, जो आपकी 96,000 के आसपास लगेगी। अब बात करते हैं स्टील कितनी लगनी है, तो स्टील आपकी इसमें 2,500 केजी लगनी है, जो 45 रुपये केजी के हिसाब से मैंने काउंट की है, ये आपकी 1,12,500 रुपये के आसपास लगनी है। और अब बात करते हैं सेंड कितनी लगनी है, तो सेंड इसमें 1500 CFT लगनी है, जो 40 रुपये CFT के हिसाब से मैंने मानी है, और ये 60,000 रुपये के लगभग की हो जाएगी। अगली बात आती है ग्रिट कितनी लगनी है, यानी एग्रीगेट कितना लगना है, वो आएगी आपकी 1100 CFT के आसपास आएगी, और 25 रुपया पर CFT के हिसाब से भी काउंट करें अपन, तो ये 24,200 रुपये की हो जाती है। अगली बात आती है कि ब्रिक वर्क कितना होगा, यानी ब्रिक्स कितने लगेंगे, तो ब्रिक्स आपकी इसमें लगभग 18,000 ब्रिक्स लगेंगी, और इसमें 6 रुपये ब्रिक के हिसाब से भी अपन इसको काउंट करें, तो ये 1,08,000 के आसपास की आएगी। इसमें मैं आपको ये जरूर कहूँगा कि ब्रिक्स हमेशा अच्छी क्वालिटी के लानी चाहिए, आप 2 नंबर ईंट या 3 नंबर ईंट इसमें कतई नहीं लगाइएगा, क्योंकि ईंट किसी भी स्ट्रक्चर का निर्माण में ईंट की विशेष महत्ता होती है, इसलिए अच्छी ईंटें लगाइएगा आप। अब बात करते हैं लेबर रेट इसमें कितने लगेगी, तो 800 स्क्वायर फीट आपका मकान है, तो इसमें अप्रोक्सीमेट अपन 200 रुपये पर स्क्वायर फीट की रेट से लेबर वेजेस माने, तो ये 1,60,000 रुपये के आसपास आता है। अब बात करते हैं कि वेट्रीफाइड टाइल्स आपकी कितनी लगेंगी, तो 400 स्क्वायर फीट आपकी टाइल्स लगनी है, जो सॉरी 50 रुपये स्क्वायर फीट के हिसाब से माने, तो ये आपकी 20,000 के आसपास की ये टाइल्स हो जाएंगी। इसके बाद में दूसरे प्रकार की टाइल्स जो लगती हैं, उनका नाम होता है स्कर्टिंग टाइल्स, तो स्कर्टिंग टाइल्स ये 140 रनिंग फिट के हिसाब से लगेंगी, और ये 25 रुपये पर टाइल के हिसाब से माने, तो ये 3,500 रुपये के आसपास ये भी लग जानी है, क्योंकि कई तरह की टाइल्स इसमें लगती हैं, तो आप टाइल जो लाएँ वो अच्छी डिजाइन की लाएँ, और अच्छी से बढ़िया देख करके ही टाइल लाइएगा, क्योंकि टाइल्स का मामला ऐसा है कि इसमें कलर फेड होने के और के कई तरह के डर होते हैं, इसलिए मैं कहूँगा। अब आगे बात आती है कि सेरेमिक टाइल जो लगाते हैं आप, वो 200 स्क्वायर फीट के आसपास ये भी लगनी है आपके, ये 30 रुपये पर स्क्वायर फीट के आसपास इनकी रेट माने, तो ये 6,000 के आसपास आ जाएंगी। अब बात आती है कि ग्रेनाइट कितना लगता है। देखिए सज्जनों, अच्छा मकान बनाने के लिए आपको ग्रेनाइट भी लगाना होता है, और उसमें आपको जैसे किचन वगैरह में और में कहीं आप ग्रेनाइट लगाते हैं, तो 80 स्क्वायर फीट के आसपास ये ग्रेनाइट लगाएंगे आप, और 150 रुपया पर स्क्वायर फीट के हिसाब से भी आप लगाएंगे, तो ये 9,600 रुपये का हो जाता है। कोटा स्टोन भी आपको लगाना पड़ता है, तो कोटा स्टोन 170 स्क्वायर फीट के आसपास कोटा स्टोन लगेगा, तो ये भी आप 40 रुपये पर स्क्वायर फीट के रेट से भी माने, तो ये 6,800 रुपये का हो जाएगा। अब बात करते हैं कि इसमें पार्किंग के लिए टाइल्स लगाएंगे आप, तो ये 180 स्क्वायर फीट मैंने माना है, और 30 रुपये पर स्क्वायर फीट के हिसाब से रेट माने इसकी, तो 5,400 रुपये इसके भी हो जाते हैं। अगली बात आती है कि डोर फ्रेम वगैरह लगाने पड़ते हैं आपको, तो इसमें 7 मैंने डोर फ्रेम काउंट किए हैं, वो 1,800 रुपये पर फ्रेम के हिसाब से काउंट किए हैं, तो ये 12,600 रुपये की ये भी हो जाएंगी। उसके बाद में आपको मेन गेट लगाना होता है, तो मेन गेट जो होते हैं आपके, वो 10x7 स्क्वायर फिट, ये 500 स्क्वायर फिट माना है, और 35,000 के ये
ये भी हो जाएंगे 500 रुपये पर स्क्वायर फीट के हिसाब से, इसकी रेट काउंट की है मैंने, तो ये 500 रुपये ये हो जाएंगे। अब बात करते हैं कि वुडन डोर आप लगाते हैं तो उसकी रेट अलग होती है। एक वुडन डोर लगाना पड़ेगा आपको, मेन गेट भी लगाएंगे, वुडन डोर भी लगाएंगे, तो इनकी रेटें भी आपको वुडन डोर 10,000 रुपये का आ जाएगा। फ्लश डोर आप 4 नग लगाएंगे तो ये 18,000 रुपये के आ जाएंगे। FRP डोर आप 2 नग लगाएंगे तो ये 3,000, डोर के हिसाब से 6,000 के ये हो जाएंगे। विंडो ग्रिल हैं ये भी आपके 70 स्क्वायर फीट के आसपास आएगी, तो 100 रुपये पर स्क्वायर फीट माने तो 7,000 की ये हो जाएंगी। स्लाइडिंग विंडो है 70 स्क्वायर फीट लेंगे तो भी ये 250 रुपये पर स्क्वायर फीट के हिसाब से 17,500 रुपये की आ जाएगी। लोड विंडो है ये भी 2 नग लेनी पड़ेंगे, इसलिए 800 रुपये पर विंडो के हिसाब से ये 1,600 रुपये की हो जाएंगी। और फॉल्स सीलिंग का काम है ये भी आपका 250 स्क्वायर फीट हो जाएगा, तो 90 रुपये स्क्वायर फीट के हिसाब से भी माने तो ये 22,500 रुपये का ये हो जाता है। अब बात करते हैं कि वाटर टैंक आप बनाएंगे तो 1,000 लीटर का वाटर टैंक भी आप रखेंगे तो 6 रुपये पर लीटर भी होगा, तो ये आपका 6,000 का वाटर टैंक हो जाएगा। वॉल पेंटिंग है ये भी आपका 10 से 15 रुपये पर स्क्वायर फीट के हिसाब से होगी, तो ये 35,000 का वॉल पेंटिंग का काम हो जाएगा। अब बात करते हैं प्लम्बिंग की, तो प्लम्बिंग भी लगभग 30,000 रुपये का काम इसमें हो ही जाना है। इसके अलावा इलेक्ट्रिफिकेशन का काम है ये भी आपका लगभग 50,000 के आसपास हो जाएगा। एक आदमी आपको 6 महीने मान लीजिए काम चलता है आपका, तो क्योरिंग करने के लिए आपको एक आदमी रखना पड़ता है जिसको अपन वॉचमैन भी बोल सकते हैं, साथ में वो वॉचमैन का काम भी करेगा और क्योरिंग का काम भी करेगा, तो ये 45,000 रुपये का उसके भी हो जाएंगे। और एक्स्ट्रा आइटम अपने जो जैसे बाइंडिंग वायर है, कवर ब्लॉक्स हैं या वेस्टेज जो जाता है वो, ये भी माने तो 30,000 के आसपास ये हो जाता है। इस तरह सारे खर्चों को जोड़ने के बाद में ये आपका टोटल जो एस्टिमेट आता है वो इन सब आइटम्स को जोड़ते हुए आता है। और ये लगभग आपका, मैं बताता हूँ आपको, ये इसमें कई चीज़ें और भी आ जाती हैं, तो ये लगभग आपका 9,57,000 रुपये का हो जाता है, या यूं कह सकते हैं इसको अपन 10 लाख रुपए मान लेते हैं। और 10 लाख रुपए जब मानते हैं तो एवरेज आपका ये रेट पड़ जाती है 1,200 रुपये पर स्क्वायर फीट की। तो सज्जनों यदि आप कोई नया मकान बनाना चाहते हैं तो ये ध्यान रखिएगा कि 1,150 रुपये से लेकर के 1,200 रुपये में आपका मकान ये तैयार हो जाएगा। यदि आप इस तरह का एस्टिमेट बना करके अपना मकान बनाते हैं तो आपका मकान निर्विघ्न पूरा हो जाएगा और आपके बजट में हो जाएगा। यदि आप इन बातों का ध्यान नहीं रखते हैं तो फिर आपका बजट है वो कम या ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए ये इस बात का ध्यान रखिएगा। आने वाले वीडियोस में मैं आपको 1,500 स्क्वायर फीट का घर बनाने में कितना खर्चा लगता है ये बताना चाहूँगा। इसलिए मेरी चैनल SN शर्मा मोटिवेशनल स्पीकर, यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन को जरूर दबा दीजिए ताकि आने वाला नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप मेरे अनुभवों का फायदा ले सकते हैं। आपके सारे दोस्तों को ये वीडियो आप भेज सकते हैं, क्योंकि हर दोस्त को मकान बनाने की जरूरत होती है। ऐसी स्थिति में उन्हें ये चिंता रहती है बार बार कि मकान तो बनाना चाहते हैं मगर खर्चा कितना लगेगा ये पता नहीं होता है। इसलिए ये वीडियो हर आदमी के काम का है, वो चाहे आपका नज़दीकी है तो भी काम का है, आपका दोस्त है तो भी काम का है, आपके यहाँ कोई अदना सा कर्मचारी भी काम करता है तो उसके भी ये वीडियो काम का हो सकता है। और पीढ़ी दर पीढ़ी हर आदमी को मकान बनाना पड़ता है, ऐसी स्थिति में ये वीडियो सबके काम का है। इसलिए सबको आप शेयर कर सकते हैं, लाइक ज़रूर कर सकते हैं और कमेंट्स के द्वारा मुझे ज़रूर बताइएगा कि आज का वीडियो आपको कैसा लगा। नमस्कार।